बाबा सिद्दीकी की हत्या बहुत ही दुखद है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके अपनी संवेदना परिवार के प्रति और एक निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं और कल की घटना से बहुत हैरत में हूं कि मुंबई, जो कि इस देश की आर्थिक राजधानी है, जो राज्य चुनावी मोड में है, जहां इंटेलिजेंस से लेकर के तमाम एजेंसियां सक्रिय हैं, वहां सरकार से जुड़ा हुआ एक हाई प्रोफाइल नेता, जिसे 15 दिन पहले सूत्रों बताते हैं मीडिया के कि धमकी मिली, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, उसे सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। अगर सरकार अपने नेताओं को सुरक्षा दे पाने में असमर्थ है तो फिर मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को कैसे सुरक्षा दे सकती है, सबसे बड़ा सवाल यह है। बाबा सिद्दीकी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, 3 बार के विधायक, मंत्री, मौजूदा समय में उनका बेटा विधायक, और सरकार जो डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन है महाराष्ट्र की सरकार में, उसके एक इंजन यानी के अजीत पवार जी के करीबी नेताओं में से थे, उनकी हत्या हुई सरेआम। यह महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था रसातल में जाने का सबसे बड़ा परिणाम है। इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे भाजपा के देवेंद्र फडणवीस जी की है, मुख्यमंत्री जी से ज्यादा गृहमंत्री की जिम्मेदारी है। मैं तो यह कहूंगा गृहमंत्री को आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बुरी तरह से विफल है। बदलापुर से बांद्रा तक आप जहां भी देखेंगे, महाराष्ट्र में ना तो बच्चियां सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना व्यवसायी सुरक्षित हैं, ना राजनेता सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र पूरी तरह से कानून व्यवस्था के नाम पर कोलैप्स हो चुका है, जिसका जिक्र राहुल गांधी जी ने भी किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी किया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या बहुत ही दुखद है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके अपनी संवेदना परिवार के प्रति और एक निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं और कल की घटना से बहुत हैरत में हूं कि मुंबई, जो कि इस देश की आर्थिक राजधानी है, जो राज्य चुनावी मोड में है, जहां इंटेलिजेंस से लेकर के तमाम एजेंसियां सक्रिय हैं, वहां सरकार से जुड़ा हुआ एक हाई प्रोफाइल नेता, जिसे 15 दिन पहले सूत्रों बताते हैं मीडिया के कि धमकी मिली, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, उसे सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। अगर सरकार अपने नेताओं को सुरक्षा दे पाने में असमर्थ है तो फिर मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को कैसे सुरक्षा दे सकती है, सबसे बड़ा सवाल यह है। बाबा सिद्दीकी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, 3 बार के विधायक, मंत्री, मौजूदा समय में उनका बेटा विधायक, और सरकार जो डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन है महाराष्ट्र की सरकार में, उसके एक इंजन यानी के अजीत पवार जी के करीबी नेताओं में से थे, उनकी हत्या हुई सरेआम। यह महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था रसातल में जाने का सबसे बड़ा परिणाम है। इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे भाजपा के देवेंद्र फडणवीस जी की है, मुख्यमंत्री जी से ज्यादा गृहमंत्री की जिम्मेदारी है। मैं तो यह कहूंगा गृहमंत्री को आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बुरी तरह से विफल है। बदलापुर से बांद्रा तक आप जहां भी देखेंगे, महाराष्ट्र में ना तो बच्चियां सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना व्यवसायी सुरक्षित हैं, ना राजनेता सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र पूरी तरह से कानून व्यवस्था के नाम पर कोलैप्स हो चुका है, जिसका जिक्र राहुल गांधी जी ने भी किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी किया है।